दोस्तों, जिन लोगों ने येस बैंक से पर्सनल लोन लिया है उन लोगों का ईएमआई अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ, जिन लोगों का 8 तारीख को ड्यू डेट था। सो इस सिनेरियो में बिल पेमेंट करने का तरीका, जो ईएमआई पे करने का तरीका क्या है, और ये जो इतना दिन जो पे नहीं हो रहा इसके चलते क्या सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होगा, ये दोनों सवाल के आंसर जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक देखिए। मैं हूं हसन, आप देख रहे यू नीड टू नो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस जरूर करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे के इस तरीके से फाइनेंस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से फिलहाल जो है येस बैंक की तरफ से जो भी आउटगोइंग जो भी ट्रांजेक्शन है मतलब फंड ट्रांसफर जो है डिजेबल है आज के दिन में। मतलब मैं वीडियो जो बना रहा हूँ 10 तारीख को ना, आज के दिन में दोपहर को जो है इंटरनल मतलब इनकमिंग जो पेमेंट है, मतलब कोई अगर फंड ट्रांसफर करे एनईएफटी के द्वारा अदर बैंक से येस बैंक में या फिर आईएमपीएस के द्वारा तो इनेबल कर दिया गया है। लेकिन कंसर्न ये है अगर किसी का बैंक अकाउंट में येस बैंक अकाउंट में पैसा है सो वहां से अगर वो पेमेंट मतलब करना चाहता है उसका लोन का ईएमआई, तो उस सिनेरियो में क्या करना होगा दोस्तों आपको बता देना चाहेंगे। फिलहाल जो अभी सर्विस है जो ऑटो डिडक्शन का जो ईएमआई का वो फिलहाल बंद है, तो इस सिनेरियो में आपके अकाउंट से फिलहाल तो अभी नहीं कटेगा। अभी बचता है अदर ऑप्शन, अदर ऑप्शन आपको ट्राई करना चाहिए। अदर ऑप्शन की आपको बात करें तो अदर ऑप्शन जो है आपका एक वेबसाइट में जो ऑफिशियल वेबसाइट है येस बैंक, वहां पे भी एक लोन रिपेमेंट करने का एक लिंक है जो कि बिल डेस्क के थ्रू होता है। लेकिन फिलहाल बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा आपको यहाँ पे, कि वो लिंक भी जो है काम नहीं कर रहा है लास्ट 2-3 दिन से, तो यहाँ पे भी आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो अब सॉल्यूशन क्या है कि इसको जो पेमेंट कैसे करना है, तो इस सिनेरियो में मैंने 2-3 बार कस्टमर केयर में बात भी किया और तो उनके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन मिला उन लोगों ने मुझे 2 ऑप्शन दिया। एक ऑप्शन ये दिया कि आप जो है बैंक अकाउंट में अपना बैलेंस जो ईएमआई अमाउंट है वो मेंटेन करके रखें, कभी भी काट सकता है आपके अकाउंट से और आपके इससे पहले एक बार नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तो सो ये था, ये इन्फॉर्मेशन जो था वो ये कस्टमर केयर से मुझे मिला है। दूसरा इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिला है वो ये है, आप जो है आपका नियरेस्ट जो भी येस बैंक का ब्रांच है वहां पे जाके भी एक बार आप चेक कर सकते हैं कि आपका लोन का जो ईएमआई है येस बैंक का पर्सनल लोन या फिर जो भी लोन है उसको कैसे पे करना है। तो दोस्तों ये था दोनों ऑप्शन। अब क्वेश्चन आता है कि इस सिनेरियो में क्योंकि आपका ड्यू डेट जो था 8 तारीख था, क्योंकि मैक्सिमम जो लोन का जो ड्यू डेट होता है येस बैंक का 4 और 8 तारीख को होता है, तो जिन लोगों का 4 तारीख का था तो उन लोगों का तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों का 8 तारीख को था उन लोगों का दिक्कत हुआ। तो 8 तारीख वाले का जो ड्यू डेट है अभी तक जो पेमेंट हुआ नहीं, 11 तारीख हो चुका है 10 से 11 तारीख, तो उन लोगों का क्या ईएमआई बाउंस चार्जेस कटेगा या फिर उनका सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट होगा? इस क्वेश्चन का मैं जवाब देना चाहूंगा कि उनका कोई भी ईएमआई बाउंस चार्जेस नहीं कटेगा, क्योंकि ये इश्यू जो है बैंक की तरफ से हुआ है, तो इस सिनेरियो में आपका ईएमआई चार्जेस बाउंस चार्जेस नहीं कटेगा। आप क्वेश्चन आते क्या उनका सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट होगा, जी दोस्तों बताना चाहूंगा ये एक नॉन इशू है, क्योंकि ये बैंक की तरफ से हुआ है इसके लिए आपका सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा बैंक की तरफ से जब भी ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि आपको बैंक का लोन जो है रिपेमेंट कैसे करना है ईएमआई, और आपको है तुरंत के तुरंत जो टाइमलाइन दिया जाएगा उसके अंदर ही आपको पेमेंट करना है, अगर आप नहीं करते हो तो उस सिनेरियो में आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा आपको जानकारी देना जरूरी है, इसके लिए मैंने दिया। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। हैप्पी होली दोस्तों।